हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा एक्सेल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एक्सेल के बारे में, एक्सेल क्या होता है और एक्सेल के अंदर रो, कॉलम, सेल्स और फार्मूला बार के बारे में, जिसका यूज करके हमें एक्सेल में काम करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेल को फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद एक्सेल में सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल में काम करने के लिए हमें पहले एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसी के अंदर आपको देखना है फ्रेंड्स कि एक्सेल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल लिखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सेल पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल ओपन करने के बाद एक्सेल में हम ज़्यादातर काम मैथमेटिकल करते हैं, जैसे कोई बिलिंग का काम करना हो या कंपनी के अंदर कितना सामान आया, कितना चला गया, कितना बचा हुआ है, और परचेज करना, सेल करना और लास्ट में प्रॉफिट निकालना। और कंपनी के अंदर बहुत सारे इम्प्लॉय काम करते हैं, तो सभी की सैलरी भी हम आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं। तो ये सारे काम हमारे मैथमेटिकल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मैथमेटिकल काम करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है काउंटिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में स्टार्टिंग हम काउंटिंग से ही करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो पूरा पेज है, इस पूरे पेज को हम बोलते हैं वर्कबुक, ये देखिए। और इस वर्कबुक के अंदर हम जो काम करते हैं, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 या और भी जितने भी सीट आपको लेना हो, तो प्लस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सीट यहाँ पर बनती जाएगी। जिस तरीके से फ्रेंड्स किसी भी बुक के अंदर जो पेजेज होते हैं, उसी तरीके से ये एक्सेल में पूरे को बोलते हैं वर्कबुक, और इसके अंदर जो हम काम करते हैं इन सीटों के अंदर। और ये जो सीट होता है फ्रेंड्स, इसका जो पूरा नाम होता है वर्कशीट या फिर स्प्रेड शीट भी इसे बोलते हैं। और इस सीट के अंदर यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है, जिसको हम रो और कॉलम के नाम से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रो जो होता है हमारा, वो इस तरीके से होता है। देखिए ये जो पूरा एक लाइन जा रहा है, इसे हम बोलते हैं रो। ये 1, 2, 3, 4। तो रो को हम जब भी काउंटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वो हमें नंबर में करना पड़ता है, क्योंकि रो हमारा नंबर में होता है। और जो हमारा कॉलम होता है, वो हमारा अल्फाबेट्स में होता है, ये देखिए। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड, ये आपका फोर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सिंगल सिंगल बॉक्सेस होते हैं, देखिए ये जो सिंगल बॉक्सेस होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं सेल। और हर सेल का एक नंबर होता है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हमें एक्सेल में काम करना पड़ता है। तो किसी भी सेल का नंबर देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको अल्फा होता है और फिर उसके बाद न्यूमेरिक। तो यहाँ पर जो सामने है, सी के सामने है और यहाँ पर 5 के सामने है, यानी कि इसका जो सेल नंबर हो गया C5। और देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इसका नंबर हो गया B3। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नेम बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्स है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। इसका जो काम होता है कि किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इसका एड्रेस कितना है C3, तो यहाँ पे उसका एड्रेस बताएगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर नेम बॉक्स में भी आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम जो भी काम करते हैं हमें सेल नंबर से ही करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हम काउंटिंग कैसे लाते हैं। तो काउंटिंग लाने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि एक्सेल के अंदर कोई भी काम मैथमेटिकल होता है, काफ़ी फास्ट तरीके से किया जाता है। तो एक्सेल में हम काम कैसे करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, काउंटिंग। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगर हमें यहाँ पर 1 से लेकर के और मान लो 500 तक हमें गिनती चाहिए, अगर आप सिंपल तरीके से कीबोर्ड से टाइप करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 से लेकर 500 तक चाहिए फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 टाइप करना है और 2 टाइप करना है। अब यहाँ पर आपको दोनों को सेट करना है फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा प्लस बन के आ रहा है, और यहाँ पे आपको कोने पे जाना है। तो कोने पर जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा प्लस बन के आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके और इसे आपको खींचना है फ्रेंड्स। इसे हम बोलते हैं ड्रैग करना, ड्रैग मतलब खींचना। तो देखिए मैं यहाँ पर खींचते जा रहा हूँ, एक बार में कितना आ गया, 596। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको कितना भी सीरियल नंबर चाहिए, 1 से लेकर के 1000 तक या 2000 तक या 3000 तक, तो जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे तो आपका ये नंबर आसानी से बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमें टेबल चाहिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 4, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को सेट करना है। तो इसके बीच में कितनी है, 2 की गैपिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा प्लस बन के आ रहा है, आपको यहाँ कोने पर जाना है, तो छोटा प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ड्रैग करना। तो आपको क्या करना है, माउस को क्लिक करना है और खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका 2 का टेबल आ गया। वैसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं 3 के नीचे लिख दिया 6, 4 के नीचे 8, यहाँ पे 10, 12, 14, 16 और 18 और 20।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक साथ सबका टेबल बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, बड़ा प्लस आ रहा है। तो यहाँ आपको कोने पे जाना है तो छोटा प्लस आ जाएगा और क्लिक करके आपको यहाँ पे खींचना होता है। तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे टेबल आसानी से बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको काउंटिंग बताया, इसी चीज़ को अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और मैं चाहता हूँ मुझे 1 से 1000 तक गिनती चाहिए या 100 तक चाहिए। तो कीबोर्ड से काउंटिंग लाने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-E-I-S। तो यहाँ पे आपका एक सीरीज खुल के आएगा, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसे रो होता है और नीचे ये खड़े में क्या होता है, कॉलम होता है, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था। तो अब हमें नंबर चाहिए, कैसे चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम में, तो मुझे चाहिए यहाँ पे नीचे कॉलम में, तो यहाँ कर दिया मैंने कॉलम। और इसके बाद इसका देना पड़ता है हमें स्टेप वैल्यू, यानी एक के बाद हमें क्या चाहिए। अगर हमें 3 चाहिए तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2, अगर हमें 1 के बाद 2 चाहिए तो स्टेप वैल्यू कितना हो गया 1। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, स्टॉप वैल्यू, लास्ट आपको कहाँ तक चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ दे दिया जैसे 10, और जैसे ही मैं ओके करूँगा फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से काउंटिंग इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर आपको डेट भी लाना हो तो जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा 1/1/20, और कुछ नहीं करना, एक तारीख टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Alt-E-I-S। और उसके बाद देखिए स्टेप वैल्यू, एक तारीख के बाद मुझे क्या चाहिए, 2 तारीख, तो स्टेप वैल्यू हो गया। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, लास्ट कहाँ तक चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 10/1/20, यानी कि 10 तारीख तक चाहिए। अब यहाँ पर डेट हमें कैसे चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। अगर कॉलम में चाहिए तो यहाँ कॉलम करेंगे, और रो में ऐसे चाहिए तो यहाँ पर रो करेंगे। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम में, तो यहाँ मैंने कॉलम कर दिया फ्रेंड्स। और जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तारीख तक यहाँ पे डेट आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे काउंटिंग टेबल और डेट हम कैसे लाते हैं। अब हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टाइप किया 200 और यहाँ दे दिया मैंने 300। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इन दोनों का टोटल यहाँ पे दिखा दे इस वाले बॉक्स के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर जहाँ भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है वहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है इक्वल टू। तो यहाँ देखिए मैंने इक्वल टू लगा दिया। और कभी भी एक्सेल में हमें किसी भी नंबर पे काम करना है, प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, तो कभी भी हम यहाँ पे नंबर टाइप नहीं करते, हम उसका देते हैं सेल नंबर। जैसे किसके सामने है, बी, और यहाँ पे 3 के सामने, तो इसका जो सेल नंबर हो गया फ्रेंड्स B3, तो यहाँ दे दिया मैंने B3। और देखिए ये ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको प्लस करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो सेल नंबर है यहाँ पे सी के सामने है और ये 3 के सामने है, तो इसका नंबर दे दिया मैंने C3। और यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल होके आ गया इस तरीके से। इसके बाद देखिए अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर इतने सारे नंबर टाइप कर दिए हैं और यहाँ पर हमें सबका टोटल चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक एक का सेल नंबर देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वल लगाने के बाद अगर आपका नंबर जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए उससे लेफ्ट साइड में है तो कीबोर्ड से आपको लेफ्ट एरो यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसके पास जाएंगे इसका सेल नंबर आपका यहाँ पे दिखा देगा। फिर मुझे क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पर देखिए इसका सेल नंबर कितना है, तो यहाँ पर लेफ्ट एरो यूज करिए और यहाँ पर कर दिया मैंने प्लस। उसी तरीके से फिर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया प्लस, फिर यहाँ पर सेलेक्ट किया प्लस, और यहाँ पर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर इंटर। तो जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका और होता है हमारा टोटल करने का। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं इस तरीके से और इन सबको आप टोटल करना चाहते हैं, तो एक एक को सिलेक्ट करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये तो हमारे पास कितने हैं, 4, 3, 7 नंबर है। अगर हमारे पास 20-25 नंबर हो तो काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास एक फार्मूला है सम का, जिसका यूज करके हम आसानी से टोटल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सम, और वेके स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, number1, number2 और डॉट डॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी फार्मूले में अगर डॉट आ गया तो उसका मतलब होता है रेंज। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है फर्स्ट सेल नंबर, तो यहाँ पर इसका सेल नंबर कितना है, B7, तो यहाँ दे दिया मैंने B7। और उसके बाद अगर हमें सबका रेंज देना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन। और उसके बाद यहाँ पर सीधा आपको देना है लास्ट सेल नंबर, यहाँ पे क्या आपका H7, तो यहाँ दे दिया मैंने H7। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमने ये कॉलन दिया हुआ है बीच में, इसका मतलब होता है रेंज। तो इसको देने के बाद यहाँ पे आपका बीच का ऑटोमेटिक नंबर ले लिया। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर कई तरीके से टोटल कर सकते हैं किसी भी नंबर का। और इसके बाद देखिए
अगर हमें दो नंबर में माइनस करना हो तो माइनस करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। यहाँ लिखा मैंने 50 और यहाँ लिखा मैंने 30। अब देखिए मुझे 50 में से 30 माइनस करना है, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको इक्वल लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि नंबर आपका लेफ्ट में है तो आपको अब सेल नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या यूज करना है, लेफ्ट एरो। तो यहाँ देखिए मैंने 50 के पास गया, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, इसका सेल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पर 30 को माइनस करना है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 30 को सेट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल नंबर आ गया, यानी कि B12 ये देखिए, यानी 50 में से मुझे क्या माइनस करना है, C12 यानी कि 30। जैसे ही मैं इंटर करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसमें से ये नंबर हमारा माइनस होके आ गया। वैसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 और यहाँ लिखा मैंने 9, तो देखिए मुझे यहाँ पर 5 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ भी रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्या लगाते हैं, इक्वल टू, और यहाँ मैंने 5 को सेलेक्ट किया लेफ्ट एरो से। और यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स कीबोर्ड में, जहाँ पे स्टार होता है स्टार, वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार, तो स्टार का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। और यहाँ पे मैंने 9 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इंटर। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद अगर हमें किसी नंबर में डिवाइड करना हो, जैसे लिखा यहाँ पे मैंने 25, अब मुझे इसमें डिवाइड करना है 4 से, तो लास्ट में यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा, तो देखिए इक्वल टू करके आपको क्या करना है, 25 को सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से आपको स्लैश का बटन दबाना है फ्रेंड्स। तो ये मैंने स्लैश लगा दिया, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, कितने से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे लिखा मैंने 2000 और इसका मुझे निकालना है यहाँ पे 20%। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको नंबर को सेट करना है जिसका आपका परसेंटेज निकालना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जितना परसेंट आपको निकालना होगा उतना परसेंट यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे मुझे निकालना है 20%, तो यहाँ लिखा मैंने 20 और यहाँ पर मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया इस तरीके से। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 का 20% कितना होता है, 400। तो आपने सीखा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेल के अंदर काउंटिंग लाना, टेबल लाना और यहाँ पर डेट कैसे लाते हैं, और कीबोर्ड से हमें कोई भी काउंटिंग चाहिए या सीरियल नंबर चाहिए या फिर डेट चाहिए तो हम कैसे लाते हैं। और इसके बाद फिर हमने सीखा यहाँ पर प्लस करना किसी भी नंबर का 3 तरीके से, और यहाँ पर माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा टास्क देता हूँ जिसके अंदर आपको एक सिंपल सा मार्कशीट बनाना है फ्रेंड्स। तो मार्कशीट बनाने के लिए आपको क्या क्या टाइप करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है हेडिंग में नेम, और यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देना है फ्रेंड्स, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और उसके बाद यहाँ पे टोटल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1 लोगों का मार्कशीट निकाल देता हूँ, आपको फिर उसके बाद 10 लोगों का निकालना होता है। यहाँ पे रोल नंबर दे दिया मैंने 1, उसके बाद यहाँ पर एक नाम दे दिया फ्रेंड्स, दे दिया मैंने सुरेश, और यहाँ पर इसके 100 में से मार्क्स डाल देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर आपको मार्क्स डालना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल कि इन सभी का टोटल कितना हुआ। तो टोटल निकालने के लिए आपको यूज करना है सम का फार्मूला, तो इक्वल टू और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, सम। तो आपको सम कैसे करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल नंबर कितना है, C2, तो यहाँ दे दिया मैंने C2, उसके बाद आपको देना है यहाँ पे कॉलन, ये देखिए, और फिर इसके बाद आपको देना होता है लास्ट सेल नंबर, तो यहाँ पे क्या आपका G2, तो यहाँ दे दिया मैंने G2, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना भी मैंने आपको एक्सेल में बताया अभी तक, काउंटिंग, टेबल, डेट या फिर प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या परसेंटेज निकालना, इन सभी का मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखा है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आपको इंसर्ट काउंटिंग या डेट लेके आना हो तो कैसे करेंगे, टाइप फर्स्ट नंबर, पहले आपको एक नंबर टाइप करना है या फिर डेट है, उसके बाद सेलेक्ट सेल्स वेर यू वांट टू इंसर्ट काउंटिंग या डेट, जहां तक आपको नंबर या डेट चाहिए फ्रेंड्स वहां तक आपको सेलेक्ट करना है। और यहां पे देखिए विद फर्स्ट नंबर, जो भी आपने फर्स्ट नंबर टाइप किया है उसके साथ ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको Alt+E+I+S, फिर आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है और उसके बाद क्या करना है, इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेल्स को वहाँ तक आपका नंबर और डेट आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को सम या टोटल करना हो तो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू लगा करके फर्स्ट सेल नंबर, उसके बाद प्लस लगा करके सेकेंड, फिर प्लस लगा करके थर्ड, जितने भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स
किसी भी नंबर को टोटल करने के लिए हमें सम का फार्मूला लगाना पड़ता है, इक्वल टू सम, फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको सम के अंदर नंबर वन कॉमा नंबर टू कॉमा नंबर थ्री और डॉट डॉट इस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है फ्रेंड्स, अगर आपको फार्मूले के अंदर नंबर वन नंबर टू या नंबर थ्री और डॉट डॉट इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रेंज देना। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे मीन्स रेंज, रेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है रेंज मीन्स फर्स्ट सेल नंबर और कॉलन, उसके बाद आपको देना होता है लास्ट सेल नंबर। और देखिए यहाँ पे यूज सम फार्मूला दिस टाइप, अगर आपको सम का फार्मूला लगाना हो तो देखिए फ्रेंड्स, सम मैंने आपको कैसे बताया था, इक्वल करके आपको क्या लिखना है सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और आपका इस टाइप से लिखा आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेल नंबर और कॉलन और सीधा आपका लास्ट सेल नंबर, और जैसे ही इंटर करेंगे फ्रेंड्स तो आपका टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सम का फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको माइनस करना हो यानी कि सबट्रैक्ट, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता है, इक्वल लगा करके फर्स्ट सेल नंबर और माइनस लगा करके आपको क्या देना है, सेकेंड सेल नंबर। इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, इक्वल टू फर्स्ट सेल नंबर और उसके बाद आपको देना है फिर स्टार, स्टार का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर आपको सेकेंड सेल नंबर देना है फ्रेंड्स जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद अगर आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इक्वल टू फर्स्ट सेल नंबर और यहाँ पर आपको देना है स्लैश, स्लैश का मतलब हो गया डिवाइड, और उसके बाद देना आपको सेकेंड सेल नंबर जिससे आपको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का डिवाइड निकाल सकते हैं। और देखिए फिर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट या परसेंटेज, किसी भी नंबर का इंटरेस्ट या परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करके फिर आपको नंबर देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या लगाना है स्टार, इसके बाद आपको देना होता है परसेंटेज वैल्यू, कितना परसेंट आपको निकालना है। और देखिए यहाँ पे मैंने स्टार का मतलब दिया हुआ है, स्टार मीन्स मल्टीप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि आपको एक्सेल में काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और देखिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टॉक रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी कंपनी का कोई भी सामान परचेज करना, सेल करना, और लास्ट में आपको दिखाना है कि कितना सामान आपके पास बचा हुआ है और कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, और इसे हम बोलते हैं स्टॉक रिकॉर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% उसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।